किसान कर्ज माफी को लेकर जहां कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का दावा किया, वहीं भाजपा की सरकार ने कांग्रेस पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। लेकिन किसान कर्ज माफी को लेकर सियासत अभी भी जारी है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्ज माफ किया गया था, भाजपा की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। किसान कर्ज माफी योजना फिर से लागू होनी चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसान ऋण माफी योजना को लेकर कहा कि कांग्रेस ने 26 लाख किसानों का 11,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया था। किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलानी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लिए किसान सिर्फ वोट बैंक है। अगर भाजपा को किसानों की चिंता होती तो किसानों का ऋण माफ करती। भाजपा सरकार को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। केंद्र सरकार अगर उद्योगपतियों के ऋण माफ कर सकती है तो किसानों का ऋण माफ करने में क्या समस्या है? भाजपा कर्ज माफी की स्कीम पूरी फिर से चालू करे। हमारी सरकार ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों के ऋण माफी की योजना को चलाया और हमारी सरकार रहते हुए हमने मध्य प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ करने का काम किया। हमारी और हमारी सरकार की सोच, हमारे माननीय नेता आदरणीय कमलनाथ जी की सोच थी कि हमारा जो किसान है उसको कर्ज के बोझ के तले से बाहर निकालना है और उसके जीवन को कर्ज मुक्त करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार में आने के बाद इन्होंने हमारी जो ऋण माफ़ी की योजना थी उस योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमारा किसान नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। मैं जो है सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, ये ऋण माफ़ी की योजना को लागू करें और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों का ऋण माफ करने का काम कर रही है, उसी प्रकार से हमारे अन्नदाताओं का ऋण माफ करने का काम कर रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।